हेलो दोस्त, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ग्रीन जोन और रेड जोन बता दीजिए जहाँ से मैं एवरेज कैंडिडेट हूँ सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं तो सबसे पहले इससे बचना चाह रहा था कि ये सारे चीज़ टॉपिक पे आपको नहीं आना चाहिए। मेन आपको इंक्रीज वैकेंसी के टॉपिक पे ही फोकस करना चाहिए कि जितना वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगा उतना हर कैंडिडेट के लिए ग्रीन जोन बनता जाएगा। लेकिन इस कम वैकेंसी में भी लोगों का सवाल आ रहा है और इसका मकसद सिंपल सी बात है, कहीं वीडियो वो देखे होंगे या उन्हें फॉर्म अप्लाई करना होगा, दो ही कारण से उनके मन में ये सवाल आता है। तो चलिए कोशिश करते हैं, फैक्टर जानते हैं, समझाते हैं आपको, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ कि ग्रीन जोन ये है, रेड जोन ये है तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एक काल्पनिक चीज़ है। लेकिन फिर भी तार्किक ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़े से गहराई में जाके सेफ जोन भी बोल सकते हैं अपने लिए। तो देखिए, दो तीन जोन का तो मैं नाम अभी बिना वीडियो को समझाए ले सकता हूँ कि ग्रीन जोन होता है हमेशा। साउथ में चले जाइए, त्रिवेंद्रम, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। वैकेंसी कितनी भी रहे लेकिन ऑप्शन बचती है क्योंकि कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। वहाँ अगर कंपटीशन CBT 1 CBT 2 बढ़िया से कर लीजिएगा तब। साउथ में चले जाइए, आप EWS से हैं, आपके लिए ऑप्शन बना हुआ है। EWS के लिए वहाँ संख्या कम है और रेलवे में भरने वाले भी कम है, और आप अगर अप्लाई करते हैं साउथ से तो नॉर्थ के अपेक्षा आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन आपका बिलासपुर से ही शुरू हो जाता है, उस एरिया में ही धीरे धीरे आपको शुरू में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका आता है जम्मू, सिलीगुड़ी, ये सब RRB ठीक ठाक कंपटीशन में रहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बिना एग्ज़ाम दिए आपका हो जाएगा, लेकिन आपको रेड जोन जिसको बोला जाता है NCR, जयपुर वाला आपका अजमेर बोर्ड, उसके बाद आपका ECR, हालांकि ECR का पिछली बार पटना में कम गया था, उसके अलावा भोपाल, चंडीगढ़, ये सारे मेन मेन रूप से रेड में रहते हैं। कभी भी कंपटीशन कम नहीं होता। इसका कारण सिंपल सा है, जो लॉजिक एक मैं देना चाहूँगा कि ज़्यादा कैंडिडेट इस एरिया में फॉर्म भरते हैं और रेलवे की जॉब को अच्छी से प्रिपरेशन करते हैं, जिसलिए बढ़ जाता है। लेकिन ये ध्यान नहीं दीजिए कि आपको क्या कम कैंडिडेट ज़्यादा वैकेंसी, यही एक फैक्टर काफ़ी है कि आपका सिर्फ सिलेक्शन हो, तो मैं कहूँगा नहीं। इसके लिए आपको दो तीन फैक्टर अभी जो बाद में ऐड होता है वो आता है आपका CBT का पैटर्न, CBT कैसा रहा, CBT के क्वेश्चन कैसा रहा और उस क्वेश्चन को करने वाले कैसे रहे, फिर नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, ये भी एक फैक्टर होता है। क्योंकि CBT 1 में श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, CBT 2 में तो कम से कम करके ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथा कारण, आपकी वैकेंसी 5696 है और कैंडिडेट की संख्या तो आपको पता ही है। ELP में, खास करके ELP की, टेक्नीशियन की नहीं बात कर रहा हूँ, ELP पोस्ट में 80 लाख कम से कम और 1 करोड़ प्लस से ऊपर में और जाने की संभावना उम्मीद व्यक्त की जा रही है। तो इसका डिटेल आएगा तब पता चलेगा। तो देखिए, इसमें सेफ और ग्रीन और रेड जोन अगर कोई कह रहा है ना, तो आप खतरे से बाहर रहिए। आप रेड और ग्रीन ढूंढने से अच्छा है अपनी स्टडी लेवल को बढ़ाइए रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए। CBT 1 में कंपटीशन ठीक ठाक होगा, CBT 2 में भी कंपटीशन ठीक ठाक होगा, लेकिन CBT 2 में आपका पार्ट बी है वो बैलेंस करता है, बहुत लोग उसमें फेल होते हैं, उसको आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पे इशू है कि सेफ जोन और ग्रीन जोन के बात करते ही क्या हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम के बहुत सारा टाइम पड़े हुए हैं, अगर एग्ज़ाम रेलवे के टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से होता है तो यहाँ पे दिया हुआ है जून से अगस्त, 120 दिन का टाइमलाइन है, या 120 नहीं सॉरी 90 दिन का, 3 महीने है, जून जुलाई अगस्त, 90 दिन का रेलवे ने टाइमलाइन लिया है कि इसके बीच में होगा।
तो 90 दिन में ध्यान रखिएगा कि ये 90 दिन में जब सीबीटी होगा तो वो भी 15 से 20 दिन से प्लस में जाएगा। ये सीबीटी ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हमने बात किया 80 लाख से लेके करीब करीब 1 करोड़ तक, ये संख्या में आपको सीबीटी 3 शिफ्टों में चलेगी तभी 15 से 20 दिन जाती है, ये भी एक फैक्टर है। तो ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेफ जोन और ग्रीन जोन लोग कैसे बता रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए पिछला हिस्ट्री आप देखेंगे ना, उसमें देखिए हम पिछला हिस्ट्री में हम हमेशा साथ में रहते हैं कि तिरुवनंतपुरम चाहे 70 वैकेंसी है लेकिन यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, कुछ ना कुछ ऑप्शन बचा हुआ है। एसेप्ट ओबीसी का एक पोस्ट है, ये थोड़ा सा डेंजर जोन में है, अगर वो भी कम्युनिटी के चला जाएगा तो ओबीसी छोड़ के बाकी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है तो एक अच्छा जोन ये साबित होने वाला है CBT 1 के मामले से। लेकिन CBT 1 में आपका सिलेक्शन हो जाए, CBT 2 में दिक्कत हो जाए तो क्या फ़ायदा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो CBT 2 में आपका EWS और OBC दोनों छोड़ दीजिए, बाकी कम्युनिटी से हैं तो त्रिवेंद्रम में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ की वैकेंसी के देख के। अब यहाँ पे दूसरा जोन बताते हैं ग्रीन में ही, कि आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पे पीछे क्या होते रहता है, पीछे क्या होते रहता है उसके हिसाब से जम्मू श्रीनगर एक ठीक ठाक है, कंपटीशन कम नहीं होगा लेकिन हाँ यहाँ पे आप भरेंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन रहता है कि बाकी का अगर कट ऑफ 60 गया तो यहाँ 58 पे भी हो सकता है, आपको 56 पे भी हो सकता है, 57 पे भी हो सकता है, यानी 2-3 नंबर का बेनिफिट मिल जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर का बेनिफिट मिलता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और जोन है जो जिसके बारे में लोग बहुत आराम से भूल जाते हैं, वो है मालदा। देखिए मालदा अनयूजुअल कंपटीशन होता है लेकिन कोलकाता विषय के कारण से बैलेंस हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एक ग्रीन का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपका एक और जोन जो बता रहने वाला हूँ जो आपको थोड़ा सा आराम देगा, वो सिलीगुड़ी वाला 67 वाला वैकेंसी, ये भी ठीक ठाक रहता है लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि वैकेंसी का टेबल में देखेंगे तो सबका 5 से ऊपर ही पोस्ट है, तो ठीक ठाक यहाँ पर आपको एक कंपटीशन लेवल यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन बनता है इस जोन में। अब उसके बाद बनता है कि सबसे ज़्यादा WCR मुंबई वाला का आता है, तो देखिए मुंबई में आपका फर्स्ट में और सेकंड में हमेशा चांस बना हुआ रहता है, मुंबई में जॉब करने वाले जाते भी हैं तो छोड़ते भी हैं, तो इसको एक भी आप ट्राई कर सकते हैं ग्रीन के रूप में, तो आपको यहाँ ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन में LP के लिए मैं बता देता हूँ बहुत टफ होता है, तो LP का मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ सबसे टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी का A1 मेडिकल है, इसको आप ध्यान में रखिए, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तब मुंबई से भरिएगा, नहीं थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत हो जाती है, ये मैं पहले बता देता हूँ। अब फाइट वाला बोलते हैं तो देखिए फाइट वाले में गोरखपुर ठीक ठाक फाइट होगा, आपका चंडीगढ़ ठीक ठाक पार्ट होगा, चेन्नई आपका EWS का है तो अच्छा है, बाकी कम्युनिटी में फाइट ठीक ठाक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे EWS से अगर ये नहीं भरना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है, बाकी कम्युनिटी के लिए मैं इस बार LP में चेन्नई में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछला बार देखा था यहाँ का इशू हुआ था कुछ। उसके बाद कोलकाता तो आपको हमेशा रेड में रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे मुजफ्फरपुर और पटना दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, यहाँ पे प्योर रूप से 38 वैकेंसी पे कौन कौन भरता है, तो 38 वैकेंसी पे भरने वाले पिछली बार केवल मैक्सिमम जॉब वाले लोग रह गए थे जिसके कारण से कट ऑफ कम हो गई थी, इस बार शायद ये कट ऑफ कम नहीं होगा इसलिए मैं इसको रेड में मानूंगा, पिछली बार यहाँ और जोनों से मुकाबले थोड़ा कट ऑफ कम रह गया था। अब सवाल उठता है यहाँ पर रेड और ग्रीन होने के बाद अहमदाबाद अजमेर तो आपका हमेशा ग्रीन रेड में ही जाता है, अहमदाबाद म्यूचुअल मुंबई से थोड़ा नीचे मुंबई से थोड़ा ऊपर रहता है। उसके बाद भुवनेश्वर में पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, इस बार बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पिछली बार का जो पैटर्न था CBT 1 का कटअप तो लगभग क्वालिफाई था, वो क्यों, क्योंकि भीड़ वैकेंसी बढ़ गई थी और लोगों का नंबर कम आया था, फिर 20 गुना कैंडिडेट लेने थे। यहाँ पे अगर 20 गुना कैंडिडेट की बात करिएगा तो टोटल मान लेते हैं ये आपका 6000 वैकेंसी है, तो करीब करीब
अगर सीधी सीधी बोलिएगा 120 और करीब करीब 1,20,000 कैंडिडेट को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ भी ऑप्शन बना हुआ है कि CBT1 में आपका चांसेज है और 1,20,000 पढ़ने वाले कैंडिडेट ठीक ठाक रहते हैं तो उतना आपका ऑप्शन बनता है। फिर भी मैं भी इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर ग्रेड और रेंज जोन की बात करूँगा तो इसको छोड़ के हमें फोकस करना चाहिए स्टडी पे, जिससे आपका कुछ आगे हो जाए और आपके लिए ऑप्शन बने। क्योंकि वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी कम है इसका मतलब ये नहीं है कि 5696 वैकेंसी को ऐसे ही भरा जाता है, रेलवे में है, बाकी और जॉबों से तो ठीक ठाक है। लेकिन इशू ये है कि रेलवे 5696 वैकेंसी को अलग अलग बांट दिया है। पहले 21RRBs में बांट दिया, फिर 21RRB के बाद 5 अलग अलग कम्युनिटी हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट का रूल है, मैंडेटरी है, जिसके कारण से ये डिवाइड होकर छोटा वैकेंसी हो जाता है। ये फैक्टर है जो डिफिकल्ट बनाता है। थैंक यू, धन्यवाद।